एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई और एक्स बराबर फोर वाई माइनस टू, यह आपने 10वां क्वेश्चन मेरे से पूछा है। तो बच्चों बताता हूँ मैं इसको। देखो बेटा, अगर इनके चित्र बनाने तुम्हारे से आते हैं, चित्र से मेरा मतलब, अब जैसे एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई है, आपको पता वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स ऐसे होता था, यहाँ से ऐसे होता था ना, लेकिन वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स के बराबर एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई ऐसे बनता था बेटा, ऊपर की साइड को। अब लेकिन अगर ये चीज़ तुम्हारे याद नहीं है तो बेटा इसमें इस चैप्टर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो तुमने 11वीं में पढ़ रखी। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई, समीकरण नंबर एक। अब बेटा दूसरी समीकरण आई एक्स बराबर फोर वाई माइनस टू। अब अगर तुम इसे कन्फ्यूज हो रहे हो इसको रिप्रेजेंट करने में इक्वेशन को, तो बेटा वो इस चैप्टर की गलती नहीं है, वो तुम्हारी 11वीं की कमी है। भाई कोई भी समीकरण अगर रेखा की है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा करते थे हम, समीकरण दो से एक्स बराबर जीरो रख दो। तो जब आप एक्स बराबर जीरो रखोगे तो जीरो बराबर फोर वाई माइनस टू और टू बराबर फोर वाई और वाई बराबर एक बटा दो, यानी एक्स का मान जीरो और वाई का आ गया एक बटा दो। क्लियर होगी बात यहाँ। उसके बाद बेटा हमने वाई बराबर जीरो रखते थे, जब y बराबर जीरो रखेंगे तो मुझे लगता है x बराबर कितना आएगा, माइनस दो, तो ये आ गया माइनस दो और जीरो। तो बेटा इन पॉइंट को आप लोग रखें जरा यहाँ, ये हो गया आपका जीरो, ये हो गया आपका वन, ये हो गया आपका टू, ये हो गया थ्री, इधर की तरफ को माइनस वन और माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो x की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू जीरो, तो ये हो गया आपका। इस पॉइंट को आप कुछ भी मान लें, सपोज करो आप इसको ए मानते हो माइनस टू जीरो को, और दूसरा पॉइंट कितना आया था, जीरो और हाफ, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की हाफ। तो वाई अगर ये वन है आपका, ये टू है, तो बेटा यहाँ हाफ होगा आपके पास। तो ये जो पॉइंट आया आपके पास, इधर बना दो आप इसको, ये पॉइंट आ गया आपका एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू हाफ, और इस पॉइंट को हमने लिख दिया बी से। तो बेटा अब हमने क्या किया, ए से बी को मिलाया और ऐसे खींच दिया। तो ये जो रेखा आई आपकी, ये रेखा कितनी आई आपकी, अरे कितनी थी, x बराबर फोर वाई माइनस टू, एक्स बराबर फोर वाई माइनस टू। तो बेटा ये रेखा भी आपकी खिंच गई, ओके, और ये आपका जो कर्व था ये भी खिंच गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई किसी को। अब इसने कहा है कि इसके बीच का क्षेत्रफल आप निकालो, ये क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है। तो बेटा ये क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो बेटा लिमिट के लिए आपको क्या, जहाँ से क्षेत्रफल शुरू हो रहा एक लाइन वहाँ चाहिए, और जहाँ क्षेत्रफल खत्म हो रहा एक लाइन वहाँ चाहिए आपको। तो बेटा एक लाइन तो यहाँ खींचनी पड़ेगी हमें इसके कटान बिंदु से, और एक लाइन हमें यहाँ खींचनी पड़ेगी इसके कटान बिंदु से। अब इन लाइन का आपको पता तो लगे कि एक्स बराबर वन टू थ्री माइनस वन टू क्या है, तो इनका पता कैसे लगेगा बेटा, एक कटान बिंदु आपके पास होने चाहिए। तो एक कटान बिंदु को पी से लिख दो आप, एक कटान बिंदु को क्यू से लिख दो। तो P और Q के निर्देशांक कैसे आएंगे, भाई P और Q क्या है, इस वक्र और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, कटान बिंदु। तो हम लिखेंगे P व Q के निर्देशांक के लिए, यहां लिखेंगे P व Q के निर्देशांक के लिए क्या करने पर बेटा, समीकरण एक व दो को हल करने पर। तो जब समीकरण एक दो को हल करेंगे तो x के मान भी आएंगे, y के भी आएंगे, लेकिन बेटा आप थोड़ा अगर शॉर्ट देखें तो वाई क्यू के मान की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, यह है वाई के मान की जरूरत नहीं है, तो एक्स ही निकाल लो ना डायरेक्ट, फिर क्यों वाई के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, समीकरण एक से फोर वाई बराबर एक्स स्क्वायर कहाँ रख दिया हमने, समीकरण दो में। तो बेटा यह आया आपके पास एक्स बराबर फोर वाई, फोर वाई के बदले हमने क्या रखा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो बेटा इसको भी इधर ही ले आए हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अब आप दो के ऐसे टुकड़े करें अंतर जिनका कितना एक हो, तो दो एकम दो हो गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। एक्स हमने कॉमन लिया एक्स माइनस टू, प्लस का वन कॉमन लिया एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो बेटा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और टू। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन और टू का क्या मतलब हुआ कि ये जो रेखा होगी हमारी एक्स बराबर माइनस वन, क्योंकि इधर की तरफ माइनस है, और ये रेखा कितनी होगी आपकी एक्स बराबर टू। तो सीधी सी बात है, आप एरिया निकालने के लिए
आपको लिमिट तो मिलेगी क्योंकि समांतर रेखाएं कहाँ का काम करती हैं, लिमिट का काम करती हैं। तो बेटा बड़े धैर्यपूर्वक आप काम करेंगे यहाँ से, और यहाँ लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आपने ए से लिख दिया, तो बेटा लिमिट कितनी होगी एक्स बराबर माइनस वन से टू, और यहाँ आप क्या लिखेंगे वाई डी एक्स। क्लियर? अब बेटा वाई के ऊपर डाउट है, अब मुझे जी मेरी जो चिंता है वो सबसे बड़ी क्या है वाई। अब वाई के लिए आप थोड़ा सा मैदान पे आओ यहाँ। देखो बेटा वाई, आप लोगों को जब आप मैंने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया तो वहां एक बात आपको बहुत जोर दे के मैंने समझाई थी कि बेटा जो समांतर रेखाएं वो काहे का काम करेंगे, लिमिट का काम। ओके, मेरे साथ आप इस बात को आप याद करें भाई, समांतर रेखाएं काहे का काम करती थी, लिमिट का। और जो वक्र होता था जैसे ये रेखा है, तो भाई इस छायांकित भाग को घेरने का काम कौन कर रही है, रेखा। तो इस रेखा से मुझे वाई का मान एक्स के पदों में रखना चाहिए, और एक तरफ से कौन घेरता था, एक्स अक्ष होता था। तो बेटा जब मैं वाई का मान इस रेखा से रखूंगा तो एरिया कहां तक का निकलेगा, अपने पुराने सूत्र को आप याद करो, समांतर रेखाओं के बीच का, वक्र के बीच का और एक्स अक्ष के बीच का, तो क्षेत्रफल जो आएगा वो नीचे तक का आ जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, केवल ऊपर तक का चाहिए। तो इसमें हमें काम करते हैं, फिलहाल आप वाई का मान इससे रख दो, इस रेखा से, तो क्षेत्रफल नीचे तक का आ जाएगा। फिर आप माइनस करके एक क्षेत्रफल और निकालो, लिमिट तो यही होगी उसके लिए भी, और उसमें आप वाई का मान इसका रख दो, ये वक्र। जब आप इस वक्र से वाई का मान एक्स के पदों में रखोगे तो जो एरिया आएगा वो नीचे नीचे का आएगा, और बेटा आप घटा दो इसको आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से समझो भाई, जब आप वाई का मान इस रेखा से रखेंगे तो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में बाय डिफॉल्ट अपने आप एक्स अक्ष तक का आ जाता है, तो यानी ये भी एरिया आ जाएगा इसमें। तो आप माइनस करें और अगले वाले में आप वाई का मान वक्र से रख दो, इससे ये जो पैराबोला था ना प्रबल है इससे रख दो। तो इससे रखने से क्या है कि इसके और एक्स अक्ष के बीच का यानी ये वाला एरिया आ जाएगा, और ये घटा दो आप उसमें से पूरे में से, तो आपका छायांकित भाग आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा इसको आप ऐसे लिखेंगे कि एक्स बराबर माइनस वन टू टू वाई डी एक्स, और वाई का मान कहां से रखेंगे एक्स के, ऐसे लिखो भाई पूरा पदों में, कहां से, समीकरण दो से या रेखा से। फिर आप माइनस कर दें, कौन सा एरिया माइनस करना, लिमिट तो यही रहेगी आपकी एक्स बराबर माइनस वन टू टू, लिमिट तो यही रही, और यहां क्या लिखा आपने वाई डी एक्स, लेकिन वाई का मान इस बार कहां से रखोगे आप, एक्स के पदों में, कहां से, समीकरण एक से। इससे क्या है, छायांकित के जो नीचे वाला पार्ट है वो आ जाएगा, तो वो निकाल दो, खाली छायांकित रह जाएगा हमारे पास। मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी सभी के, बट आगे का कार्य अब आप लोग खुद करेंगे इसे, क्योंकि अभी इसमें चलो एक लाइन में और कर दे रहा। तो x बराबर माइनस वन टू टू, और y की वैल्यू कहां से रखनी थी, रेखा से, तो मुझे लग रहा है आ जाएगी आपकी x प्लस टू अपॉन फोर, हाँ x प्लस टू अपॉन फोर इंटू डी एक्स, और माइनस इस बार भी लिमिट आपकी कितनी x बराबर माइनस क्या था माइनस वन टू टू, और y का मान इस बार कितना आएगा भाई यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन फोर, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर इंटू डी एक्स। इट्स ओके, क्लियर होगी होगी बात यहाँ। अब बेटा कैलकुलेशन आप लोग खुद करें, कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी भाई इसमें। उसके बाद 11वां क्वेश्चन वेरी इजी है। तो बेटा आज का जो होमवर्क है आपका, एक तो भाई आपने उदाहरण में उम्मीद करता हूँ कल कर लिए होंगे, नहीं अगर करे तो बेटा उदाहरण आपके जो पांच तक थे में आप करोगे ही करोगे, उसके बाद इसके बचे प्रश्न कौन कौन से हैं आपके, मुझे लग रहा दो तीन ही बच रहे, ज्यादा इसके बच भी नहीं रहे। बेटा अगली एक्सरसाइज में कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस इसी क्वेश्चन का है। हमने क्या करा, यहाँ वाई रखा और फिर माइनस करके पूरी लिमिट रखी, फिर वाई रखा। चाहे तो ऐसे रख लो, चाहे आप लिमिट को एक साथ मिक्स करके वाई वन माइनस वाई टू लिख दो, तो कुछ नई बात नहीं है। अगली कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस यही है, हमने डिटेल में लिख दिया ताकि तुम आसानी से समझ जाओ। इसने थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रखा और कोई नई बात नहीं है, वाई वन माइनस वाई टू कर लो या फिर आप ऐसे ही कर लो। तो बेटा अगली कुछ प्रश्नावली के लिए आप क्या क्या करोगे, उदाहरण छह पे एक बार कोशिश करोगे आप, उदाहरण सात पे, चाहे तो किताब के अकॉर्डिंग वाई वन माइनस वाई टू कर देना आप, या फिर बेटा जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप कर देना। उदाहरण आठ पे आप कोशिश करोगे, ठीक है बेटा।
उदाहरण 8 के बाद मुझे लगता है 9 को चलो तुम अभी मत करना, 9-10 को इनको थोड़ा सा रोक देते हैं कभी काम ज्यादा हो जाए। और बेटा 8.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। पहले प्रश्न में इसने दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, तो बेटा एक्स स्क्वायर बराबर 4y बनाई, ज्यादा देर तो नहीं हुई तुम्हें, एक्स स्क्वायर बराबर 4y हमने बना दिया। ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y समीकरण नंबर 1, क्लियर है बात। दूसरा इसने कहा है और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, और वृत्त है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9, या आपको पता है वृत्त में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ हम कुछ नहीं रखते, या फिर इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। इस वृत्त का केंद्र 0-0 होता है, त्रिज्या 3/2 अर्थात 1.5, तो बेटा इस वृत्त को भी हमने यहाँ बना लिया, ये बनाया ऐसे। तो जब इस वृत्त को भी आपने बनाया तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी 3/2, और केंद्र जो O है ये कितना होगा इसका 0-0। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आई होगी। इसने कहा प्रवल इतने और वृत्त इतने के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो मध्यवर्ती क्षेत्र कितना है बेटा आपके पास, ये मध्यवर्ती क्षेत्र। तो मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए अभी पढ़ाया मैंने, सेम क्वेश्चन अभी नहीं कराया मैंने आपको। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मध्यवर्ती क्षेत्र के लिए लिमिट की व्यवस्था करते हो। तो लिमिट के लिए आप क्या करोगे बेटा, ये लिमिट, ये एक समांतर रेखा यहाँ खींची तुमने और एक समांतर रेखा यहाँ खींची, दोनों समांतर रेखाओं के कटार बिंदु को आप क्या मानोगे भाई, पी और क्यू। तो पी और क्यू निकालोगे आप, तो यहाँ लिखोगे समांतर रेखाओं के निर्देशांक के लिए पी व क्यू के मान ज्ञात करने हेतु, क्या करेंगे करने हेतु आप लोग, समीकरण 1 व 2 को हल करने। क्लियर आ गई बात समझ में से भी गए, तो बेटा आप क्या करोगे 1 और 2 को हल करोगे। जब आप 1 और 2 को हल करोगे तो आपके पास x के मान आएंगे। सपोज करो x का मान, मैं सपोज करो कह रहा भाई एग्जैक्ट नहीं मैं कह रहा, x का मान या करी दूला हल, चलो तुम भी कहोगे बताई दो चलो। तो बेटा वाई स्क्वायर का मान आप लोग रख दें ऊपर, ठीक है भाई, वाई का मान आप ऊपर से रख दें यहां से, चलो तुम ही हल करो यार, इसको करना तो तुम ही है। तो आप x का मान आप रख देंगे यहाँ, सपोज करो ये -2 आ गया इधर, x का मान सपोज करो +2 आ गया, तो लिमिट की व्यवस्था होगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई एक बार y का मान ये रखेंगे ऊपर वाला और माइनस करके फिर यहां से रखेंगे, यानी y का मान एक में तो कहां क्या रखेंगे, सर्कल से रखेंगे, और दूसरे में कहां से रखेंगे, पैराबोला से रखेंगे। ये बात आपको मैंने पिछले प्रश्न में भली भांति समझा दी, लेकिन बेटा प्रयास करना तो तुम्हारा ही काम है यहां से। तो आप एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे, केवल ज्यादा काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, बस इतना ही काम तुम्हें करना है, और अगले 3 दिन हम रिवाइज कराएंगे बेटा,